अजमेर में पेयजल समस्या समाधान के लिए जल मिशन की टंकी का शिला पूजन और अखिल भारतीय विद्युत श्रम संगठन के श्रमिकों की समस्या समाधान के लिए आयोजित किया सेमिनार। अजमेर शहर की पानी की समस्या समाधान के लिए भारत सरकार के जल मिशन अभियान के तहत बनने वाली पानी की टंकी का शिला पूजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अनीता भदेल, अन्य जन प्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। जनता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे जल मिशन कार्यक्रम पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह बताया। राजस्थान की सरकार के विज्ञापन में लिखा है जल ही जीवन है, और इस उक्ति को वास्तव में तो चरितार्थ किया था भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार ने। और आज जिस पेयजल की टंकी के शिलान्यास के लिए मैं आया हूँ, मैं श्रद्धा से याद करूँगा स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी को कि अनीता जी बधेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने उदारता से इस क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें 2 पूरी हुई और ये तीसरी थी जो जमीन के अभाव में लंबित थी। मैं अनीता जी को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि पानी पीने का आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उन्होंने अपने जज्बे से इसको पूर्ण करवाया और इस क्षेत्रवासियों की पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे ये गौरव दिया कि मेरे हाथों से ये काम हुआ। मैं जहां खड़ा हूं, जिस तारागढ़ की तलहटी में, उस तारागढ़ से मेरा भी वास्ता रहा है कि जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते वहाँ से मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से महाराजा सूरजमल के स्मारक तक एक पैदल यात्रा 500 किलोमीटर की करी थी, तो मुझे ये आनंद हुआ कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इस बात से पता लगता है कि जनता की समस्याओं के लिए कितने संजीदा हैं और किस तरीके से वो प्रयास करके उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको भविष्य की तरह देखता हूँ कि आज जो शुभारंभ हुआ है वो 2023 में हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर राजस्थान की जनता के लिए, अजमेर की जनता के लिए करेंगे। तो मैं अनीता जी को और इस क्षेत्रवासियों को खास तौर पर शुभकामनाएं देता हूं कि एक यथेष्ट कार्य पेयजल का आज पूर्ण होगा। इसी के साथ इन्होंने अजमेर के जवाहर रंगमंच में अखिल भारतीय विद्युत श्रमिक संघ के चतुर्थ अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अधिवेशन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अजमेर डिस्कॉम के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान, समय पर वेतन भुगतान और अन्य सरकारी सुविधाओं को देने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश से काफी तादाद में विद्युत कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। क्या कहते हैं इस अधिवेशन के आयोजन के बारे में आयोजन के प्रतिनिधि? आज के अधिवेशन में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। अभी ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, साथ ही विद्युत कर्मचारियों के लिए अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की है, निजीकरण का जो दुष्प्रभाव है वो डिस्कॉम पे बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आज हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। और अजमेर डिस्कॉम के अंदर पदों में वृद्धि, रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से हर संवर्ग के पदों में वृद्धि की ये हमारी मुख्य मांग है। और साथ ही हम आज ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि कर्मचारियों की पदोन्नति के जो मामले हैं, LDR कोटे के मामले हैं, ये सारे मामले हमारे प्रशासन को हम रखेंगे एक ज्ञापन के माध्यम से, और अपनी जो विचार विमर्श है उसके बाद कार्यकारिणी का मनोनयन होगा। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य एकता का संचार करने के साथ साथ आपस में मिल बैठकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ढूंढना भी होता है। BSL Suitings, excellence from the land of heritage.
देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel.